बहुत ज़्यादा थका देने वाला वो ट्रैक था यार, हालत ख़राब हो गई। मतलब एक पैर गया मेरा, पैरों की जो वाट लगी है ना, हालांकि अब इसकी रिकवरी में टाइम जाएगा। बहुत ज़्यादा चलने पर थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है। एक पॉइंट आता है जहाँ से मेरे को लेफ़्ट लेना होता है, लेकिन गलती से मैंने राइट ले लिया, तो मैं उस रास्ते पे चलता चला गया और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो चीज़ें तो दिखी नहीं रही जो आते समय दिखी थी, और लोग भी दिखना बंद हो गए। अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कोशिश करिए किसी गाइड के साथ जाएं, अगर गाइड नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहो। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं अभी 6:30 और इस विलेज में हम लोग, इस विलेज का नाम है तैरना विलेज, जो कि आता है चेरापूंजी में। कल रात को यहाँ पर हम पहुँच गए थे, यहाँ पर हमने एक स्टे लिया, होम स्टे यहाँ पर बहुत सारे, और यहाँ से शुरू होता है डबल डेकर रूट ब्रिज का ट्रैक। 3600 सीढ़ियाँ उतर कर हमें नीचे जाना पड़ता है, तब जाकर वो बहुत खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा ब्रिज देखने के लिए मिलता है, रूट ब्रिज। जिन्होंने डबल डेकर रूट ब्रिज का ट्रैक किया होगा उनको पता होगा, यहाँ का कैच कुछ ऐसा है कि आपको पहले 3600 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है। तो जब आप नीचे उतरते हो तो उस समय तो थोड़ी एनर्जी रहती है, लेकिन जब आप थक जाते हो फिर आपको वापस ऊपर चढ़कर आना है 3600 सीढ़ियाँ, तो हालत ख़राब हो जाती है बड़ों की। पूरे गांव में आप देखेंगे हर जगह रास्ते नहीं बने, स्टेयर्स बनी है, क्योंकि ये गाँव ऐसे धीरे 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 नीचे की तरफ बसा हुआ है। तो जैसे जैसे आप जाओगे आपको गाँव दिखेंगे, और नीचे जाओगे तो वाटरफॉल्स भी दिखेंगे, ब्रिजेस दिखेंगे, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत है, मतलब भरे हुए सीनिक ब्यूटी से। चेरापूंजी जो मेन सिटी है, वहाँ से इस विलेज तक आने में आपको कुछ 1 घंटे के आसपास का समय लगता है, 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो ज़्यादातर जो सोलो बैकपैकर्स होते हैं या ट्रैवलर्स होते हैं वो यहाँ पर ही आकर रुकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे होम स्टे आपको मिल जाएंगे, और विलेज के अंदर, गाँव के अंदर रहने का एक फील भी आपको मिलेगा। सुबह सुबह मुर्गा बांग दे रहा है अपनी। और उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि जब आप यहाँ पर रुकते हो तो सुबह उठने के बाद आपको जो नज़ारे दिखेंगे भाई, वो अल्टीमेट है। वो देखो, सारे पहाड़ हैं, पूरी वैली है, वैली के बीच में ये गांव बना हुआ है। मैंने जो यहाँ पर होम स्टे लिया है उसका नाम है ग्रीन लैंड होम स्टे, डिसेंट सा रूम है, तो जगह बहुत अच्छी है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे जब आप यहाँ पर आएंगे। तो एक बार कंसीडर करिएगा अगर आप यहाँ पर आते हैं, तो इससे इनको भी हेल्प हो जाती है। हालांकि इनका टैरिफ भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें 400 रुपये का एक बेड मिला, हम 3 लोग थे तो हमने उनको 1200 रुपये दिए। 2 बंदे और भी हैं जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था रास्ते में ही, कल वो मिले भी थे एक्चुअली जब हम केव्स में घूम रहे थे, तो उनसे मिलवाऊंगा अभी आपको रास्ते में चलते चलते। बाकी होम स्टे की जो भी डिटेल्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। तो फिलहाल यही अभी तक की अपडेट है, बाकी शुरू करते हैं आज का व्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, एंड बाकी बातें हम करेंगे ट्रैक करते समय रास्ते में। चलो यहाँ से हमें नीचे उतर कर जाना है 3600 सीढ़ियाँ। यहाँ पर आप गाइड भी ले सकते हैं, वैसे 700 रुपये से 1000 रुपये तक की फ़ीस होती है गाइड की। छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं जो हर किसी को नहीं पता होते हैं, मतलब बीच से आपको रास्ता कटा हुआ दिखेगा कि वो बता देगा यहाँ से कुछ और एक ब्रिज आपको दिख जाएगा, एक और कोई वाटरफॉल दिख जाएगा, तो इस तरह की चीज़ें हम लोग नहीं एक्सप्लोर कर सकते। तो यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको अगर आप लेके जाते हैं साथ में तो आपको बहुत अच्छे से घुमाते हैं। तो हमने तो भाई गाइड नहीं लिया, हमने कहा चलो खुद ही एक्सप्लोर करते हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:15, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं नीचे। गुड मॉर्निंग। रास्ते में ऐसे आपको छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल्स भी दिखेंगे, अगर आपको पानी वानी पीना है या कुछ खाना है, बिस्किट वगैरह, तो वो भी आपको मिल ही जाएगा। हालांकि नीचे भी बहुत सारी शॉप्स होती हैं, जो होम स्टे का ओनर है लुंगलैंग बता रहा था, आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको खाने पीने का बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बस उसने एक चीज़ रात में बोली, कहता अगर आप लोग जा रहे हैं तो बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि वहाँ कोई कूड़ा या कचरा मत फैलाना। उसने स्पेशली जगह का नाम लिया, एक सिटी का नाम लिया, कहता वहाँ से लोग आते हैं तो कूड़ा कहीं पे भी फेंक देते हैं, तो सफाई का ध्यान कम रखते हैं वो लोग। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये भी उनके लोकल सेंटीमेंट्स हैं, उसका ख्याल रखना चाहिए हमें कि अगर आप ऐसी जगह आते हैं रिमोट एरिया में, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है तो फिर लोकल लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको समेट कर ऊपर तक लाने में, ना ही फैलाओ तो अच्छा है कचरा। तो यहाँ से जो ट्रैक है वो काफ़ी स्टीप हो गया है, तो अब ज़रा पैरों को अच्छे से बैलेंस करके चलना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। हालांकि है सिर्फ 3 किलोमीटर का पैच है, लेकिन पूरी सीढ़ियाँ 3 किलोमीटर तक, तो समझ सकते हो।
तो थोड़ी देर तो अभी मुझे चलने दो, क्योंकि बातें करता रहूँगा, शूट करता रहूँगा तो नीचे पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। आधे रास्ते में पहुँच कर फिर आपको ज्वाइन करता हूँ, ठीक है? स्टे ट्यून्ड। तो वहाँ से अभी हम उतरते हुए यहाँ पर आ गए हैं। ये एक छोटा सा विलेज है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले सकते हो। आई थिंक अभी हम आधा किलोमीटर ही चले होंगे, शायद वो भी नहीं चले होंगे। ये भी विलेज का हिस्सा है। लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर ब्रिज 3 मिनट की दूरी पर है, सिंगल रूट ब्रिज। तो पहले आएगा सिंगल रूट ब्रिज, उसके आगे जाकर आता है डबल रूट ब्रिज। तो सिंगल रूट ब्रिज तो मैंने पहले ही देख लिया था, तो अभी यहाँ पर जाकर समय बर्बाद नहीं करना है, हम सीधे चल रहे हैं डबल रूट ब्रिज देखने के लिए। अगर आप यहाँ पर आते हैं और आपने सिंगल रूट ब्रिज नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, वो भी बहुत खूबसूरत होता है। 30 रुपीज़ एंट्री फीस है, 20 रुपीज़ फ़ोटो क्लिक वगैरह करना है फ़ोन से तो उसके लिए, और 200 रुपये कैमरे की फ़ीस है। डबल रूट ब्रिज दैट साइड। अभी जो हम क्रॉस कर रहे हैं ना, ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है। इंटरनेट पे आपने इसकी बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी। नीचे रिवर बह रही है और ये लोहे का पूरा ये ब्रिज बनाया गया है। हालांकि इसे भी पूरी तरह से बंद करके रखा गया, हो सकता है शायद इतना अच्छी कंडीशन में ना हो कि लोगों का वेट झेल पाए। पूरा ब्लॉक करके रखा है इसको ताकि कोई अंदर जा ना पाए। डोंट शेक द ब्रिज, डोंट थ्रो द प्लास्टिक बॉटल्स और गार्बेज एनीवेयर इन द फॉरेस्ट एंड प्लीज यूज द डस्टबिन। ध्यान रखो भाई। अमित भाई भी मिल गए। ये लोग सिंगल रूट ब्रिज देख कर आए, कैसा रहा बताओ? बहुत ही बढ़िया था भाई, एंड दैट्स अ लॉन्गेस्ट लिविंग रूट ब्रिज इन इंडिया। बहुत बहुत ब्यूटीफुल लोकेशन है ये। थोड़ी देर रुकते हैं यहाँ पे, सूरज भी निकल आया है तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है और थोड़ी सी वार्मनेस हो गई है बॉडी में। अभी हो रहा है 8:30। भाई वैसे भी 6:45 को शुरू किए थे, 1.5 घंटे में पहुंच गया है। अभी सिंगल रूट ब्रिज देख के वहाँ पे सिंगल आपने देख भी लिया। ज्यादा टाइम स्पेंड किया हमने, और ये बहुत ज्यादा टाइम। ये देखो कितना साफ पानी है, नीचे देखो कितना क्लियर दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर वाटर। वाह, नेचर को अगर एक्सप्लोर करना है ना तो ऐसी जगहों पर ज़रूर आओ। आवाज़ सुनो, मतलब ऐसी जगह में अगर आप ट्रैवल कंटेंट बना रहे हो तो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। नेचर जो है ख़ुद ब खुद आपको इतना गज़ब का, इतना खूबसूरत, इतना सूदिंग म्यूज़िक बजा कर देता है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, अंडर दिस फुटपाथ अप टू द रिवर इट्स अ सेक्रेट ग्रूव। वैसे जब हम मेघालय में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं जहाँ पर सेक्रेट ग्रूव्स हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ट्राइब कम्युनिटीज ज़्यादा मिलेंगी, तो वो हमेशा इन्हीं सब चीज़ों की पूजा करते हैं, नेचर की, सन की, मून की, तो इसको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। एक और बहुत अच्छी जगह, अगर आप मेघालय आते हैं तो वहाँ पर भी जा सकते हैं, सेक्रेट फॉरेस्ट करके उस जगह का नाम है। तो वहाँ की स्टोरी कुछ ऐसी है कि उस जंगल से आप एक पत्थर भी उठाकर ले नहीं जा सकते, रुद्राक्ष के बहुत पेड़ हैं वहाँ पे। तो कहते हैं कि वो जगह इतनी ज़्यादा पवित्र है कि अगर आप वहाँ से कुछ भी लेकर आते हैं, जैसे एक पत्ता या रुद्राक्ष या फिर कोई पत्थर भी, तो आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाता है, कुछ अशुभ हो जाता है, ऐसा वहाँ के लोकल लोगों का मानना है। बहुत खूबसूरत सा जंगल है, अगर आप मेघालय कभी आएँ तो उस जगह को भी कंसीडर कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। लो भाई एक और ब्रिज आ गया। भाई पूरा ब्रिज जो है ना ऐसा ऐसा कांप रहा है। हो नीचे नदी का पानी इतना साफ है ना, बिल्कुल ब्लूइश वाटर दिख रहा है। लेकिन पहले मैं अपने आप को संभालूं कि कैमरे को संभालूं ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए मैं ज़्यादा मोमेंट नहीं कर रहा हूँ। वहाँ ओह
यार मेरे को यहाँ पर फोटो क्लिक करानी थी लेकिन वो अमित भाई लोग आगे चले गए, सनलाइट पीछे है तो एक बार ज़रा कैमरे को घुमाते हैं। ओहो तो हाँ भाई ना, अच्छी लाइट के साथ व्यू वो देखो। यहाँ पर भी एक रोड ब्रिज बना हुआ है, ये छोटा सा है, देखो जिस इन रोड्स ने देखो अपना कैसे फॉर्मेशन बनाया हुआ है। यहाँ पर आकर एक और विलेज है छोटा सा, और इस विलेज का नाम है नॉनग्रैट। ये छोटा सा एक रोड ब्रिज है जिससे होकर हम आए। कितना पुराना पेड़ होगा ये और इसकी जड़ों को कैसे कैसे फॉर्मेशन दिए, वाकई में यार ये अपने आप में एक बहुत यूनिक टैलेंट है। डबल रोड ब्रिज रेमबो फॉल्स ऊपर। आपको एक बात बताता हूँ, नीचे जिस होम स्टे में हम लोग रुके हुए हैं उसका जो ओनर है वो कल रात को बता रहा था, कह रहा था उसके इस होम स्टे में यूरोप से बहुत लोग आकर रुक चुके हैं, जर्मनी फ्रांस और भी दुनिया के कई कोनों से अलग अलग जगह से लोग उसके यहाँ के रुक चुके हैं, और बता रहा था कि ऑलमोस्ट लोग यही बोलते हैं जब यहाँ पर आते हैं डबल रोड ब्रिज देखते हैं तो कहते हैं यार हमें लगता है कि हमारी कंट्री में बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैं जो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, पर इस ब्रिज को देखकर ऐसा लगता है कि इसके आगे हम लोग कुछ भी नहीं है। फाइनली टाइम आ गया अपनी बकेट लिस्ट में एक और टिक लगाने का, नेचर और ह्यूमन एफर्ट से मिलकर बना ये डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज, The finest nature's creation in dense forest of Meghalaya. मेघालय के घने जंगलों में छुपा ये खजाना जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। एंड बिलीव मी, जब आप इस क्रिएशन को अपनी आंखों से देखोगे तब आपको एहसास होगा कि 3600 स्टेयर्स उतर कर यहाँ तक आना बिल्कुल वर्थ था। तो अगर आप मेघालय में आते हो, चेरापूंजी एक्सप्लोर कर रहे हो, तो डबल रूट ब्रिज तो देखना बनता है। नीचे छोटा सा वाटरफॉल है, उसमें मछलियाँ भी बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर फुट स्पा भी होता है फ्री में, वो भी पैर डालकर बैठ जाओ आप और मछलियाँ आएंगी और आपके जो पैर को स्पा देंगी, जो डेड स्किन होती है उसे खाकर चली जाएंगी। अमित भाई ने मैगी ऑर्डर करी है, चलकर मैगी खा लेते हैं। ले जा सकते हो वहाँ पे, इधर से भी नज़ारा अच्छा है, इसलिए मैं भी यहीं पे खड़ा हूँ। मैगी तो बनती है फिर, पहाड़ वाली मैगी तो बहुत खाई है अपन ने, अब जरा डबल रूट ब्रिज के सामने बैठकर मैगी खाते हैं। मैगी का जो टेस्ट है उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, बॉयल्ड मैगी है और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्योंकि ये याद रखना है कि हम नॉर्थ ईस्ट में ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वैसे भी मसाले बहुत कम खाते हैं। लेकिन अप्रिशिएट करने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई से इतना सारा सामान नीचे तक लेकर आना और फिर टूरिस्ट के लिए खाने पीने का अरेंज करना और इस तरह के फूड स्टेशन को रन करना, ये अपने आप में एक मेहनत वाला काम है, तो उसे अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो रिस्पेक्ट करते हैं मैगी की और खाते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे पे रेनबो वाटरफॉल भी है, तो अब यहाँ तक अगर हम आ गए हैं तो उसे भी एक बार देखना तो बनता है। तो ये है डबल रोड ब्रिज और यहाँ से रास्ता जाता है रेनबो वाटरफॉल का, बस 2 किलोमीटर दूर है, फटाफट चलते हैं। जब वापस ऊपर चढ़ के जाएंगे तब शायद थोड़ा पैरों को तकलीफ हो, लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक है, अभी तक मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ या पैरों में पेन शुरू हो रहा है। लौटते समय देखते हैं क्या होता है। फुटबॉल ग्राउंड भी है भाई यहाँ तो, कमाल है यार, पूरे माउंटेन से चारों तरफ बीच में फुटबॉल ग्राउंड बना हुआ है। एक्चुअली अगर आप मानसून के समय आएंगे ना तो यहाँ का नज़ारा वाकई में बहुत ब्यूटीफुल होगा, ऐसा मैं इमेजिन कर सकता हूँ। देखो ये ब्रिज बने हुए, छोटे छोटे ब्रिज बने, वहाँ से आता होगा वाटरफॉल का पानी, और ये देखो नीचे पूरा नदी का रास्ता बना हुआ है। तो अगर मानसून में आओगे तो मतलब ये जगह कुछ और ही होगी, अलग ही मतलब वंडरलैंड टाइप का दिखेगा ये। ये लो भाई एक और ब्रिज पे आ गए हम। ओहो हो, ये वाला ब्रिज बहुत खतरनाक है। ये है भाई थोड़ा स्केरी मामला, देखो अभी तक खाली रूट ब्रिज मिल रहा था, अब पूरा रूट का ही रूट बना हुआ है। कितनी मजबूत ब्रांचेस हैं इनकी, इतने चौड़े इतने मोटे मोटे रूट्स हैं ये।
खीर गंगा वाले ट्रैक की याद आ गई, ऐसे ही हेडर्स थे वहाँ पर भी। एक पैर गया मेरा, ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। इतनी देर में तो वैष्णो देवी की चढ़ाई ख़त्म हो जाती। 2 किलोमीटर बोला था भाई डबल डेकर से। अच्छा प्रॉब्लम ये कि सीढ़ियाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ उतर रही हैं चढ़ रही हैं, कहीं पे ऊपर चढ़ना होता है फिर कहीं पे नीचे जाती हैं फिर ऊपर आ जाता है। खेल रहा है भाई ये। वे टू द रेनबो फॉल्स 30 मिनट्स। वाह ये क्या स्कैम है। अभी पैर में थोड़ा सा पेन शुरू हुआ, बहुत ज़्यादा चलने पर थोड़ी सी तकलीफ हो जाती है, थोड़ा रेस्ट करेंगे तो ठीक हो जाएगा। एक एक्सरसाइज होती है, अगर आपके नी में बहुत ज़्यादा पेन रहता है पैर को यूँ करो, अच्छा 10 बार ऐसे करो, 10 बार यूँ करो, 10 बार उसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाओ, ऐसा दोनों पैरों के साथ करो, करके देखना कभी, इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। देखा, ये था आज का ज्ञान। चलो टिप ऑफ द डे मिल चुकी है, आगे बढ़ते हैं। तो फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी मशक्कत करने के बाद आ गए हम लोग रेनबो वाटरफॉल के ठीक सामने। बहुत क्रेजी जगह है ये। वाटरफॉल तो खूबसूरत है ये, लेकिन इसका जो पानी है जो नीचे गिर रहा है वो कितना ब्यूटीफुल है यार। पूरा ब्लू कलर का पानी है इसका। जल्दी से इसे पास से चल कर देखते हैं। पैर का दर्द भी ठीक हो गया। बाकी इस वाटरफॉल की एक और यूएसपी है जिस वजह से इसे रेनबो वाटरफॉल कहा जाता है कि यहाँ पर आप आकर कभी भी देखोगे ना तो आपको रेनबो बनता हुआ दिख ही जाएगा। जहाँ पर पानी गिर रहा है वहाँ पर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर रेनबो दिखेगा। और उससे भी ज़्यादा मुझे जो सबसे अच्छा लगा यार, यहाँ का वाटर का कलर, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने बिल्कुल डिटेलिंग में कलर करेक्शन कर दिया पूरे वाटरफॉल का। ब्लू पानी एकदम नीला। नीचे जाकर आप नहा भी सकते हो, स्विमिंग वगैरह भी कर सकते हो। हालांकि लिखा हुआ है कि जब इनका पीक सीजन होता है यहाँ पर तब उस समय आप स्विमिंग वगैरह मत करो क्योंकि पानी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये जितनी भी जगह आप देख रहे हो जहाँ पर मैं बैठा हुआ ये सब मानसून में पानी से भर जाती है, तो उस दौरान स्विमिंग करना थोड़ा रिस्की होता है। और आप देखो कितने बड़े बड़े रॉक्स हैं। तो मैं बिल्कुल नीचे तो नहीं जाऊँगा क्योंकि थाई में थोड़ा सा पेन भी हो रहा है, तो यहाँ से ही नज़ारे लेते हैं, थोड़ी देर यहाँ पर बैठता हूँ और उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। आप लोग भी तब तक यहाँ के व्यू इन्जॉय करो। And what's your good name? My name is Donald Jun Nepsil. Donald? Yes, Donald. Donald. Donald, he's my subscriber from Shillong. I feel very lucky to meet you. Oh, yes. It's my pleasure. Thank you so much, bro. And please do share the video with others if okay, you like sure. my content. Do baj gaya do. 2:10 बाकी है। वाटरफॉल भी देख लिया, रेनबो वाटरफॉल, डबल रूट ब्रिज भी देख लिया और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई भाई। इजी नहीं है ट्रैक ये। कहने का मतलब ये कि ये वाला ट्रैक भी इजी नहीं है, लेकिन एक बात है कि जैसे जैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक के बाद एक इस तरह की जगहों पर जा रहा हूँ जहाँ पर ट्रैकिंग होती है, और इतनी मशक्क़त करने के बाद आप कहीं पहुँचते हो, वो एक छोटा सा अचीवमेंट जो आपको अंदर से फील होता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको यार बहुत मजबूत बना देती है, मुझे ऐसा लगता है। आई होप जिन लोगों ने इस तरह के ट्रैक किए होंगे या इससे भी ज़्यादा बड़े और ख़तरनाक ट्रैक किए होंगे तो उनको पता होगा ये चीज़। अंदर से आपको एक कॉन्फिडेंस आने लगता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करते हो, फिज़िकली नहीं लेकिन मेंटली। धीरे धीरे आपकी सोच ऐसी हो जाती है कि किसी भी मुसीबत में अगर आप फंसोगे ना तो निकल आओगे अकेले। तो सोलो ट्रैवल करना, ऐसी जगहों पर जाकर ट्रैक करना, एक्सप्लोर करना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को बहुत चेंज कर देता है। मैंने एक दो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस ट्रैक को अगर आप करने आते हैं तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो कोशिश करिए किसी गाइड के साथ जाएं। अगर गाइड नहीं लेना चाहते हैं तो थोड़ा अलर्ट रहो, ठीक है। क्योंकि जब मैं ट्रैक करके लौट रहा था और डबल रूट ब्रिज से उतर रहा था, उतरने के बाद वहाँ से एक पॉइंट आता है जहाँ से मेरे को लेफ़्ट लेना होता है। मैंने जाते समय भी दिखाया था लेकिन गलती से मैंने राइट ले लिया। वो कोई दूसरा विलेज पड़ता है और आप सीधे फॉरेस्ट की तरफ नीचे चले जाते हैं,
और मैं वहाँ पर कम से कम 30 मिनट 35 मिनट या उससे भी ज़्यादा 40 मिनट तक चलता रहा, क्योंकि देखने में ऑलमोस्ट सब एक ही जैसा दिखता है विलेज है। तो मैं उस रास्ते पे चलता चला गया और फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार वो चीज़ें तो दिखी नहीं थी जो आते समय दिखी थी, और लोग भी दिखना बंद हो गए। तो 40 मिनट चलने के बाद वहाँ पर एक छोटा सा घर मिला जहाँ पर एक लेडी थी, तो वो भी खासी थे यहाँ पर, तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ही है। तो जैसे तैसे मैंने पूछा, मैंने कहा तरना विलेज, तो उसने बोला कि गलत आ गए हो, उस तरफ जाओ। और जिस समय मैंने गलत रूट लिया था 2 बज रहा था, मैंने सोचा था कि 3:30 तक तो मैं आ ही जाऊँगा, मैक्सिमम 4 बजे तक वापस आ जाऊँगा। पूरा 1-2 घंटा बर्बाद हो गया, और सबसे बड़ी बात है एक्स्ट्रा ट्रैकिंग हो गई मेरी, तो बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो वापस जब मैं उस पॉइंट पे आया जहाँ से मेरे को सही रास्ता पकड़ना था, फिर वहाँ से आते आते यहाँ बज गया 6, और 6 बजे के बाद वैसे भी अंधेरा हो जाता है। फिर मैंने सोचा कि इस समय शिलोंग जाना सही नहीं है, इसलिए मैं रात को यहीं पर रुक गया, और यहाँ से अब मैं निकल के जा रहा हूँ शिलोंग। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जहाँ पर हम गए जो चीज़ हमने देखी वो वाकई में अल्टीमेट थी। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30, मेघालय की जो हमारी ट्रिप थी वो यहीं पे ही ख़त्म होती है। आई होप आपको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे मेघालय में जो इस बार हमने ट्रैवल किया। इसके बाद मुझे यहाँ से निकलना है शिलोंग से पहुँचूंगा गुवाहाटी, और गुवाहाटी से मुझे जाना है आसाम में काजीरंगा और माजुली, ये 2 जगह जो मुझे कवर करनी है। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको अगले वीडियो में पता ही चल जाएगी। ये वाला वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करके बताना ये वाला वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हो, वीडियोज अच्छे लगते हैं, इतना जो एफर्ट लेके मैं काम कर रहा हूँ, अगर आपको अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है, तो ज़रा चैनल को सपोर्ट करो, लाल वाला बटन दबा कर जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।